तकनीक उपयोग करने की चीज़ है, तकनीक हमको उपयोग करने लगे, यह परिस्थिति गुलाम प्रकृति है। जैसे हम किसी के शासन से गुलामी की मुक्ति चाहते हैं, तो अब आप तकनीक के गुलाम होने जा रहे हैं। It is the biggest risk that we face as a civilization is artificial intelligence. So currently, like one of the fears is that AI will take jobs, right? But AI will also create n number of different opportunities that we don't yet see. With the advent of let's say auto rickshaws and all those vehicles, the earlier rickshawwalas in India, they lost their jobs, right? But the vehicles, they opened whole new frontier, right? They opened whole new opportunities. Earlier there were telephone operators, now there are no telephone operators, right? People have better jobs and better life is still, right? देखिए, ये तो सपना बेचने का है ना। सपना बेचने के लिए जो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, वो सब बनाया हुआ है इन्होंने। इसके पीछे जो मुनाफा कमाने वाली देसी विदेशी जो कंपनियां हैं, उसकी प्यास है। और वो पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो प्यास कैसे उनकी बुझेगी। कार्यक्रम है कि सड़क पर केवल मोटर कार को ही चलने का अधिकार होगा कि आदमी को भी होगा, साइकिल को भी होगा, रिक्शा को भी होगा। तो इसी सवाल पर सरकार कोई कानून बनाए कि भाई हम लोगों को भी चलने का अधिकार मिले। तो इसी बात पर लेकर के एक दिल्ली के साथी लोग हैं, वो लोग बिहार और झारखंड के 8 जिलों में मीटिंग कर रहे हैं। इस संस्था का नाम है जीवन संगम। हम लोग का खास मकसद इस सेंटर का है, गरीब और समाज के जो सबसे वंचित लोगों के साथ काम करने के लिए। सो रिक्शा पुलर लोगों की जो समस्या है, इसी पर आज तक बहुत कम लोग काम किए हैं, ध्यान दिए हैं। अभी दूसरी बैठक हम लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा झारखंड के कई शहरों में बैठक करके लोगों की ये राय जानी जाएगी कि रिक्शे को वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं शहरी परिवहन के लिए, रोजगार के लिए। आपको बताने में बड़ी मुझे आश्चर्य होता है कि पूरे हिंदुस्तान में आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है रिक्शा से। क्या हिंदुस्तान में रोजगार जितने कम पैदा होते हैं, एक सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ लोगों को आप हटा करके रोजगार से कोई दूसरा रोजगार दे सकते हैं? और यदि नहीं दे सकते हैं तो रिक्शे को हटा के आप क्या इतने लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं? ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करना है कि टेक्निक सेंट्रिक करना है, ये चैलेंज है। अभी का डेवलपमेंट का जो पूरा पैराडाइम है वो तकनीक सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। इसलिए आदमी सब मार्जिन पे जा रहा है, तकनीक सेंटर पे आ रहा है। तो जो आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, वो सब वही मामला है। आई मीन वी गेट इनटू दिस माइंडसेट ऑफ जीरो सम गेम्स बिकॉज़ ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग ओवरऑल, जॉब ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग, देन एनीथिंग यू टेक यू ऑलवेज थिंक हु इज इट कमिंग अवे फ्रॉम। वी आर नॉट थिंकिंग दैट द पाई इज इंक्रीजिंग एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग, because things are stagnant, we always think we do something and it comes from somebody else's pocket. But I think that's a mindset which we need to get out of, otherwise we will always remain a poor country. In a country like India, I'm amazed at the fact that, you know, every auto driver, every rickshaw puller, look at the first innovations that we had in even in the cycle rickshaws, which put those little motors onto the cycle rickshaw and suddenly it became a motorized vehicle, right? Where else across the world have we seen this? Adoption of technology is extremely high regardless of which strata of society you're talking about. I actually have a firm belief that you can't fight technology by ignoring it. Interest and adoption of autonomous driving technology is happening globally. I think it's completely in India's interest to invest heavily in this space, otherwise we'd be just left behind. कोई ये नहीं कह रहा है कि आप मशीन न लाइए, लेकिन मशीन की सीमा को तय कीजिए। ऑटोमोबाइल्स का हब हम तब बना रहे हैं जब डेट्रॉइट नीलाम हो गया 2012 में। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका का वह शहर जो नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे करके जो मास्टर प्लान के लिए मांगा है, उसने कहा है कि हमें ऐसा शहर बनाना है जिसमें खेती होगी, पशुपालन होगा
और गाड़ियों की कम से कम जगह होगी। तो आप 100 साल के बाद डेट्रॉयट बनना चाहते हैं कि आज आप डेट्रॉयट की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? ये चैलेंज है, ये पॉलिटिकल चैलेंज है। वहाँ पर अलग अलग टेबल पे कोई एक आदमी हर टेबल पे बैठा रहेगा ना, तो उसको आपने बताना कि हमें समस्या क्या क्या आती है, आप हमारे लिए क्या करे सरकार जिससे कुछ सहूलियत हो। कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, जो लोग चाय नहीं पिए हैं, चाय रखा हुआ है, अब लोग पी लेंगे। ये जो मीटिंग है वो ऐसे लोगों का है जो अभी समाज में सबसे नीचे है, दबा हुआ है, जिसको सुधी लेने वाला कोई नहीं है। आप इधर बैठिए। दुनिया में अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चे विकलांग बुजुर्ग सब लोग पैदल चलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पैदल चले बिना रह सकता हो, लेकिन हमारी सड़कों पे उनके लिए एक इंच भी जगह नहीं है और उस पे कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, और वह पैसा नहीं खर्च होता है जो हमारे टैक्स से सरकार के पास जाता है। रिक्शा चालक का भूख से मौत हुआ है गया जिला में, तो उसी पर ये आधारित गीत आपको सुना रहे हैं। घर में ठंडे चूल्हे पे अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की है। लोगों के पार्टिसिपेशन से कानून का ड्राफ्ट बनाना और उसको फिर जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है उसको प्रेशर दे के दबाव डाल के उनसे कहना कि आप इसको असेंबली में लाइए, तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि इन्फॉर्म करके कैसे डिसीजन लिया जाए। बहुत छोटा प्रयास है, मतलब उसको कहिए कि समुद्र में कंकड़ मारने जैसा है, उससे भी कम, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पास होगा या नहीं होगा ये अलग मामला है, लेकिन अगर ये टेबल भी हो गया तो अपने आप में ऐतिहासिक बात होगा। एक बार नारा लगाइए कि लड़ेंगे, आप लोग बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। बहुत कमजोर आवाज है, इस आवाज से नहीं जीतिएगा। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। Is there going to be some kind of a transition? Answer is yes. Now think about it. That pedal rickshaw, where the chain used to slip out of the pedal rickshaw, okay? And he would now go and put it back. Now he's got an electric vehicle rickshaw. How is he going to manage and maintain it? But you think that he can't? Let me tell you, the innovation will happen there. Because these guys will know, will figure out that electric vehicle, what the battery does, where is the lithium ion cell, what is it pulling, what is the whole chain or the drive system. They are going to figure out that and they are going to become far more innovative in that. In terms of efficient, I think eventually just purely computerized or purely robotic things will win. Just like it has been happening in almost everything over time, that hand loom was better and then eventually machine powered looms became better. Most of the jobs that are being automated are kind of jobs that don't involve intelligence or any kind of thinking, right? There's no creativity, right? And they're sort of like mundane tasks, you just like repeat those. And machines are very good at that, right? If they're trained to do it, they will do it flawlessly. Whereas humans are like really good at intuition, into thinking, into solving the problem that they have never faced in life before, right? My simple test has always been that places where you are replaceable are not essential to your being. Taking you out of that will not affect the job in any way. There will be somebody else who will completely fill up your space.
जिन जिन यूटिलिटीज़ में ह्यूमंस को इंटरेस्ट है वहाँ तो वी विल कीप ह्यूमंस, बट जितने भी जॉब्स ऐसे हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है बट हमें करने पड़ते हैं मजबूरी में, वो धीरे धीरे वो सब रिप्लेस हो जाएंगे. We should look forward to the liberation that is coming with this. It will be celebrating life. I am almost childishly enthusiastic about this because look at how we spend our times looking after all these logistics and how uncomfortable we are being with ourselves. We always need a task to keep us focused and to keep us in sync with the world around us. So once these jobs are automated, and how many, so it'll actually bring us to being closer to what is being human. I think if we get that, if these survival concerns are taken away, it's a massive opportunity for humankind.